हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो पहली जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको क्विक हिल कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है, सेकंड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको एमटॉक्स कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है एंड थर्ड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको पीडब्ल्यूसी कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है। इस तरह से टोटल हम तीन जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले जहां पर 2020 एंड 2021 पास आउट बैच अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीबीटेक एमईएमटेक एमसीए किया है, बीसीए बीएससी किया है तो भी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर आपको 5.25 एलपीए तक का पैकेज देखने मिल जाता है जो कि काफी अच्छा सैलरी पैकेज है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। एंड जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे ऑफ कैंपस ड्राइव रिलेटेड वीडियोस देखने मिल जाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली कल ही मैंने वीडियो बनाया था, 7 जॉब रोल्स बताइए मैंने, तो इस जॉब रोल में 2019 से 2023 तक के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी टीसीएस की हायरिंग है गाइस, यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फोर टीसीएस ऑफिशियल हायरिंग के बारे में बताया है। यहाँ पे आपको ईपीएम की तरफ से देखने मिल जाता है 2022 बैच के लिए, ओके, केपिट की तरफ से 2021 बैच के लिए देखने मिल जाता है, कॉग्निजेंट की तरफ से, माइंडट्री एंड विप्रो की तरफ से। तो ये सभी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, साथ ही साथ मैं आपको लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी क्विक हिल कंपनी की तरफ से आ जाती है गाइस। क्विक हिल कंपनी गाइस आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी है गाइस, ओके। क्विक हिल का एंटीवायरस आता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सीटीसी 5.25 एलपीए का पैकेज है। डायरेक्टली फ्रेशर्स कैंडिडेट को इतना अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड कर रही कंपनी। ज्वाइनिंग लोकेशन पुणे मेंशन की गई है एंड स्टार्ट डेट की बात कर ली जाए तो इमीडिएट यहाँ पे लिखा है, ओके। सो आपका जो है इमीडिएट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। जैसे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इमीडिएटली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। एजुकेशन की बात कर ली जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बीबीटेक एमसी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बीसीएस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि बीबीटेक बीसीए एमसीए एंड बीसीएस कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2020 एंड 2021 पास आउट, दोनों पास आउट बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज दैट रन ऑन एंड पॉइंट, दिस टेक्नोलॉजी सपोर्ट वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉइड एंड रन ऑन मोर देन 7 मिलियन एंड पॉइंट वर्ल्ड वाइड। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाता है, कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है कि आपको क्या करना होगा, कोड लिखना होगा अकॉर्डिंगली, ओके, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ओके, और यूनिट टेस्ट एंड इंश्योर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड, ओके। तो ये बेसिक चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन की गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स होनी चाहिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास नॉलेज होना चाहिए गाइस एंड यहाँ पे आपको कुछ बिहेवियर एक्टिविटीज दी गई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। सिंपली आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, ओके, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी गाइस एमडॉक्स की तरफ से आ जाती है, पीडब्ल्यूसी की तरफ से आ जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ गाइस, अगर आप गेट या आईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अनअकैडमी की तरफ से आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्री में। अगर आपको रजिस्टर करना है गेट या आईएससी की स्कॉलरशिप टेस्ट देनी है तो आप फ्री में दे सकते हो, सिंपली आपको कूपन कोड यूज करना है आशु45 एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो रिवाइज इंडिया गेट 2022, गेट 2022 पैटर्न एंड सिलेबस, ओके। सो यहां पर आप देख सकते हो 19 दिसंबर को टेस्ट होने वाली है 3 PM को, तो सिंपली आपको इनरोल कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड कूपन कोड आपको आशु45 यूज कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होने वाला है, 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड यहां पे आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीतने मिल जाते हैं। स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको आईपैड, हेडफोन्स, सैमसंग टैब, जेबीएल स्पीकर, अमेजॉन वाउचर, इस तरह से मल्टीपल चीजें जीतने का मौका मिल जाता है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अनअकैडमी की न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, सीएसआईटी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सभी ब्रांचेस के लिए, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली आप क्लास में क्वेरी रेज कर सकते हो एंड आपका डाउट क्लियर करवा सकते हो। एक टाइम पे आप यहाँ देख सकते हो 2 डाउट्स के बारे में सबमिट कर सकते हो एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 1-to-1 लाइव मेंबरशिप भी आपको देखने मिल जाती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो। स्पेशल क्लास के वेरियस फीचर्स भी है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सो आपको सिंपली कूपन कोड यूज करना है आशु45 अगर आप कॉम्बैट में फ्री में रजिस्टर करना चाहते हो तो, ओके। वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। नेक्स्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी एमडॉक्स कंपनी की तरफ से आ जाती है जहां पर आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट की यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको कंपनी की सभी डिटेल्स देखने मिल जाती है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो
डिजाइन डेवलप मॉडिफाई डिबग और मेंटेन सॉफ्टवेयर कोड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेक्निकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन। तो ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लीजिए गाइस, तो बी बीटेक एमई एमटेक एंड एमसीए कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ईएनटीसी सीएसई आईटी एंड ईएनसी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस थ्रू आउट 60% होने चाहिए आपके, और कोई भी ईयर डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा ईयर नहीं लगना चाहिए आपको। एंड 2021 पास आउट बैच ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपका वर्क क्या होने वाला है। गाइज यहाँ पर भी एमडॉक्स भी काफी अच्छी कंपनी है, आप डेफिनेटली इसको चांस दे सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ पर जॉब भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट ग्रेजुएट की जॉब रोल है, पुणे लोकेशन मेंशन की गई है। नेक्स्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी पीडब्ल्यूसी की तरफ से आ जाती है, एसोसिएट बैंगलोर टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवाइजरी लाइन ऑफ सर्विस है, इंडस्ट्री सेक्टर नॉट अप्लीकेबल यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया। आपका वर्क क्या होना है ये चीज मेंशन की गई है। ओके, डिग्री फील्ड ऑफ स्टडी आप देख सकते हो यहाँ पे, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड स्किल्स ऑप्शनल स्किल्स, यहाँ पे ऐसा कुछ बेसिक दिया गया नहीं है, सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। कोई भी ग्रेजुएट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एसोसिएट की जॉब है, बैंगलोर लोकेशन होने वाली है, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग का आपका वर्क होने वाला है। तो ये तीन जॉब रोल अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। एंड चैनल पे पहली बार आए हो गाइस तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।